ग्राम पंचायत के चुनाव नजदीक है। ऐसे में अपनी ग्राम पंचायत में कार्य किए गए कार्य को लेकर ग्राम प्रधान फिर से लोगों के सामने वोट मांगने के लिए खड़े होंगे। आपको बता दें कि थानोन ग्राम पंचायत से बबीता तिवारी ने बताया कि मेरी ग्राम पंचायत से सभी कार्य को हमने धीरे धीरे पूर्ण कर लिया है। लोगों की जो जन समस्या थी उसे हमने प्राथमिकता दी है। सड़क बनाने, बिजली पानी की समस्याएं, इसके साथ ही स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम सभा में साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया और सभी के घरों में गीले और सूखे कूड़े के लिए डस्टबिन मुहैया कराई। मेरी विधानसभा में लगातार सारे कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, इसी को लेकर मैं जनता के बीच वोटों की अपील करूंगी। नमस्कार, जन खबरगाम में स्वागत करती हूँ कि मेरे पंचायत में पहुँचे आज। मैं बबीता तिवारी, ग्राम प्रधान थानो। जी मैम, आपने 5 साल पूरे होने वाले हैं आपको, अभी तक इन 5 सालों में आपने क्या क्या प्रोग्रेस की है, क्या क्या जनता के लिए किया है आपने? हाँ जी, पहले तो सर्वप्रथम हमने डस्टबिन लगवाए और ये पुस्ते बनवाए सार्वजनिक स्थानों पर, लाइट लगवाई और ये डस्टबिन वगैरह घर घरों में डस्टबिन लगवाए, और जैसे सार्वजनिक स्थानों पे तो वैसे डब्बे लगवाए बड़े वाले और लाइट वगैरह। मैडम कितने वोटर्स हैं यहाँ पे, जनसंख्या कितनी है? 450 वोटर हैं हमारे। साल का बजट कितना है? 80,000। हाँ जी, इसके अलावा और क्या क्या किया आपने? बहुत सारे काम कर रखे, फेंसिंग वायर है, लाइटिंग वगैरह। हाँ जी, लाइट है यहाँ पे, जैसे पानी का, जैसे बताते हैं हर जगह यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, पानी की तो बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा ट्यूबवेल खुदा या अब ग्राम सभा में। हाँ जी, अपनी ग्राम सभा में। यहाँ पे मैडम आपको कौन कौन सी निधि मिली है, सांसद निधि, विधायक निधि वगैरह कुछ मिली आपको? हाँ, दोनों मिली। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी मैम आगे दोबारा से चुनाव आने वाले हैं, आपका काम आप अच्छा है, आपने अच्छा किया हुआ है, आप आगे क्या दोबारा करने का इरादा है? वो तो जनता के ऊपर बात है ना कि क्या उनकी सोच है, काम तो खैर अच्छे कर रखा भाई। मैम जनता तो सोचेंगी जब आपने इतना काम कराया, तो आप क्या सोचती हैं अगर आप दोबारा से आती हैं, तो आपने क्या सोचा है, आप क्या करना चाहेंगे दोबारा से अगर आएंगी, क्या क्या काम करेंगी आप? जैसी जनता मौके देगी हमें, हम तो फिर उठेंगे, वो करेंगे, काम करेंगे, करा भी।